ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ, और अब तो जाग ही जाइए, मतलब अब तो कोई कसर हमने छोड़ी नहीं। सुंदस तुम ऐसे गई थी और ऐसे वापस ये मतलब आपने स्टाइल नोट किया, ये फारूक भी अब शागिर्द बन गया, सीखता जा रहा। अभी नेक्स्ट ब्रेक अब आपसे मैं अनाउंस करवाऊंगी। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही फेवरेट बिलाल कुतुब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप वीकेंड पे गए हुए थे, टायर्ड लग रहे हैं मुझे थोड़े से। फैसलाबाद गए हूं। बिलाल भाई, राज के फैसलाबाद क्यों जाते हैं आप? देयर वाज अ लेक्चर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा, हाउ वाज इट? इट वाज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी टू नो के द वाइस चांसलर इकरार साहब, ही सेड के जी हमारी यूनिवर्सिटी में और दुनिया में जो नॉलेज डिफरेंस है वो जीरो है। नाइस, वेरी गुड। एंड द यूनिवर्सिटी इज प्रोड्यूसिंग 2 PhDs पर वीक। दुआ के हवाले से आप भी कोई क्वेश्चन करना चाहिए, यू आर मोर देन वेलकम, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन हो ताकि फिर ज्यादा से ज्यादा हम कॉल ले सके। अच्छा बिलाल भाई, दुआ की जब बात आती है, सबसे पहला सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो लोग हैं, दोनों लोग एक ही पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं, एक आदमी दिन में 20 घंटे काम कर रहा है और दुआ कम कर रहा है, मेहनत पे ज्यादा यकीन कर रहा है कि मैं मेहनत करूं किसी ना किसी तरह आगे बढ़ूं, दुआ कम से कम कर रहा है। दूसरी तरफ एक इंसान चले लेट्स से 10 घंटे मेहनत कर रहा है लेकिन बाकी सारा टाइम दुआ में जो है वो लगा रहा है, इन दोनों में से कामयाब कौन होगा? आपने सवाल कंस्ट्रक्ट बहुत अच्छा किया है, वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन। लेकिन इसका देखिए मसला पता है क्या आता है कि हमारे यहां एवरीवन फील्स के इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर समझना जो है वो मेरा राइट है, चाहे मैंने फिजिक्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। आप पूछ तो सकते हैं इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, लेकिन जब तक आपका वो बैकअप नहीं होगा इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, हालांकि क्वेश्चन लेजिटिमेट होता है। सो इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये फलसफे के सवाल हैं बल्कि मेटाफिजिक्स के सवाल हैं, इसके लिए इनकी बुनियाद का समझना बड़ा जरूरी है। जब तक हम मुकद्दर को नहीं समझ सकते हम तब तक दुआ को नहीं समझ सकते, क्योंकि इस सवाल की जो बुनियाद है वो इस बात के पीछे रखी है कि क्या नसीब बन चुका है या नहीं, या अगर नहीं तो फिर ऑब्वियसली मैं अपनी मेहनत से सारा कुछ, जो कि एक कैपिटलिस्ट एक्चुअली इंटेलिजेंशिया है। अगर आप गौर कीजिए तो एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, कुदसी है, कि हजरत आदम और हजरत मूसा के दरमियान डायलॉग हुआ। हजरत मूसा ने आदम से कहा कि बाबा आपने जो गलती की अगर आप ये ना ही करते तो कितना अच्छा होता, हम लोगों पर जो सारा ये जबर आ रहा है ये ना आता। तो हजरत आदम ने मूसा को जवाब दिया कि तुम मुझे उस बात का ताना दे रहे हो जो मेरे पैदा होने से 40 बरस पहले मेरे नसीब में लिख दी गई थी। अब गौर कीजिए हजरत आदम के पैदा होने से, अब एक जंग हो रही थी। मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूं कि जो लिखा हुआ है हमें उस तक पहुंचना कैसे है। ओके, ठीक है। तो सहाबा ने आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह फलां जो सहाबी है ये जन्नती है, बहुत खूब लड़ रहा है। आपने फरमाया दोजख में जाएगा। सहाबा ने बड़ी हैरत से, और जो रावी हैं वो कहते हैं मैं बैठ के देखता रहा ताक में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना सच होगा कैसे, क्योंकि वो तो जहाद में बड़ा खूब लड़ रहा है। कहते हैं जब वो लड़ के वापस आया तो उसको जख्म बहुत लगे हुए थे, उसने जख्मों की ताब से उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपने आप को अपनी ही तलवार पे गिरा लिया और उसने खुदकशी कर ली। रसूल पाक ने कहा मैं तुम्हें कहता था ना कि ये जहन्नुमी है। उसने अपने आप को इस ये हराम इसलिए करार दी कि उस लम्हे आपका जो इत्तमाद है कि खुदा मेरे मामलात को बेहतर कर सकता है, आप इससे आजिज आ जाते हैं कि खुदा मेरे मामलात को बेहतर नहीं कर सकता, इसलिए आप जब मरते हैं तो आप हालत शिर्क में मरते हैं, इसलिए ये हराम हुआ। डॉक्टर इसरार के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, उनकी हाल ही में बेशक तो उस हवाले से मैं चाह रहा था उनके ऊपर फारूक, बहुत से दोस्तों ने जो कि उनका मिशन था जिंदगी में उसमें जुमले कहे। आप कल भी मैं देख रहा था, बहुत एक अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम था। मैं इसमें सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि इसी स्टूडियो में बैठे थे रमजान में पिछले, तो एक दोस्त दुबई से आए और उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि मैं 100 मिलियन आपको देने आया हूँ, सिर्फ आपको देने आया हूँ। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, जब मैं मैट्रिक में था जो 2-4 पाइयां उनके कमरे में मेरी मैट्रिक के जमाने में थी, 2010 में भी वही 2-4 पाइयां थी। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि मैं डोनेशन पे नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत रिस्क दिया है। और वो शख्स 3 दिन यहाँ रहा इस शर्मिंदगी में कि मैं डॉक्टर साहब को देना चाहता था, डॉक्टर साहब ने नहीं लिया। जो आलिम थे उनका वो करेक्टर एक अलग है, लेकिन कभी सीने पर हाथ रख के गौर कीजिएगा कि आपको कितने करेक्टेड आलिम मिलते हैं जो कि लोगों से
बगैर वजह के डोनेशन ना ले रहे हैं। बिल्कुल सही है। बड़ी एक बहुत मुनफरद बात है और ये ऐसा पहलू है जो कि मैंने कम से कम अपने कैरियर में शायद ही कहीं और। बिल्कुल सही। एंड डॉक्टर इसरार वाज अ वेरी लर्नड मैन और आपको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। इल्म के साथ जो किरदार का पहलू है ये उलमा में बहुत कम नजर आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वी हैव अ कॉलर विद अस एज वेल, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मैं अफीफा बात कर रही हूँ कराची से। जी अफीफा, क्या कहना चाहोगी? मेरा क्वेश्चन था बिलाल साहब से कि आई वांट टू नो अबाउट पीरे कामिल। ओके। मेरे जहन में आज तक जो एक तस्वुर था वो मतलब अगर हम गौसे आजम या और भी बहुत सारे मतलब एक गुजरे हैं हम उनको एक मतलब पीरे कामिल ही तस्वुर करते थे। सही। लेकिन एक नॉवल पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि मतलब हम सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को ही कह सकते हैं, जबकि मेरे नज़दीक वो पैगम्बर कामिल हैं, लेकिन पीरे कामिल का इल्म नहीं था। सही सही, उस बारे में मैं कही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी बिलाल भाई, पहले मैं जरा ज़िमनी जवाब दे दूं। बच्ची ने जो बात की आफिया ने, मैंने पढ़ा किताब में, तो एक दफ़ा मुफ्ती साहब के पास मैं था तो उनको मैंने कहा कि मुफ्ती साहब आपने जो वाक्या लिखा है काबे गिगर तवाफ का ये शायद सच नहीं है। तो उन्होंने कहा पंजाबी में, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है कि सच नहीं है, मैं तो एक अदीब हूँ, अदीब के पास तो ये हक है कि वो जैसा वाक्या तख्लीक करना चाहे कर सकता है। अच्छा। तो लोगों ने उसको सच समझा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब ये जो जुमला है बुनियादी तौर पे पीरे कामिल, इसका इस्लाम से कहीं ना दूर दूर का, ना पीर का कोई तस्वुर इस्लाम में है ना कामिल का कोई तस्वुर इस्लाम में है। तो हमने एक तस्वुरात बुनियादी तौर पर सब कॉन्टिनेंट में आके बनाए हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई पीर कभी हवा में नहीं उड़ा, मुरीद उड़ाते हैं उसके। तो देखिए कितनी अजीब सब कॉन्टिनेंट की ये हमारी लैंग्वेज है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रहमतुल आलमीन है हम उन्हें पीरे कामिल से कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा कामिल होना एक नामुमकिनात का मामला है। कभी अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं क्लेम किया कि मैं मुकम्मल और कामिल हो गया, ये खुदा की जात के अलावा और कोई हो नहीं सकता। ये लोकल किस्म के तसव्वुरात हैं कि मेरा पीर मुकम्मल है, ये तसव्वुरात कांसेप्ट है ही नहीं। आपके टीचर का तसव्वुर हो सकता है। अच्छा, पीर कैन बी अ टीचर, ही इज अ टीचर, नथिंग एल्स। ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए जो गद्दियों का सिलसिला होता है, गद्दी नशीन होते हैं, बेटे के बेटे के वो चल रही है, फिर वो मुरीद आते हैं, वो हाथ चूमते हैं। देखिए जिस तरह के हमारे कर दें फारूक, जिस ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ रिलीजन के ब्लैक होल्स तो नहीं है ना, सिर्फ पॉलिटिक्स में भी इसी तरह के ब्लैक होल्स हैं। अगर वहां गद्दियां चल रही हैं तो यहाँ के जो माफियाज हैं यहाँ पे भी गद्दियां चल रही हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक स्कॉलर का बेटा भी वैसे ही स्कॉलर निकलेगा? मुमकिन है, आप प्रोबेबल देखें तो शायद बड़ा कम होता है। बिल्कुल सही। इसका जेनेटिक से कोई ताल्लुक नहीं है, ये खुदा शनासी है। जिसने अपनी जात को शनाख्त कर लिया वो खुदा का वली है, वो खुदा का दोस्त है। बिलाल भाई, इसी नोट पे हम कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? आमिर रहीम बोल रहा हूँ। जी आमिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहेंगे जी। थैंक यू सो मच जी। तो ये बिलाल भाई तो कमाल के हैं भाई। बिल्कुल बेशक, कोई शक की बात नहीं, सवाल कीजिए जल्दी से। जी मैं अपना एक तो अपनी मिसेस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उनका नाम है आयशा। अच्छा जी, फरमाइए जी। वो बीमार रहती है, जरा सेहत उनकी बनती नहीं, कमजोर कमजोर सी रहती। देखो अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से देखना शुरू करो ना, तो ओरिजिनल आयशा कभी मोटी हुई नहीं है। उसकी वजह बड़ी सीधी सी है कि ये सोचने और फिक्र करने वाली खातून होती है और सोचने समझने वाले लोगों के पेट जरा कम ही निकला करते हैं। तो आप इस मामले में तो फिक्र करो ही ना बिल्कुल कि खातून मोटी नहीं है। बात मामला सिर्फ यह है कि क्योंकि वो अपने अंदर बहुत से अग्रेशंस को रखती हैं, इस वजह से थोड़ा सा कुड़ने की वजह से थोड़ी सी सेहत जो है वो पेट के हवाले से खराब होगी। एसिडिक लेवल थोड़ा सा आयशा का ज्यादा रहेगा, लेकिन यू डोंट हैव टू वरी फॉर इट। आप उन्हें लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह बिल्ला अगर कहो वो पढ़ती रहें, और या सलाम या मोमिन अगर वो पढ़ती रहें, तो ये दोनों चीजें उनके लिए बहुत सेहतमंद होंगी इंशाल्लाह। सही सही, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बिलाल भाई का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है, लेकिन बिलाल भाई बहुत मजा आ रहा था मुझे इसी डिस्कशन। टाइम फ्लाइज जब बिलाल भाई होते हैं, वाकई में थैंक यू सो मच बिलाल भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो 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 जागो